हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से मनीष मिश्रा एक नया वीडियो लेकर के आया है, जो कि आज एक फंडामेंटल फिजिक्स होगा, यानी कि बेसिक कंसेप्ट होने वाला है फिजिक्स का, जो कि काफी बेसिक है। ये वैसे विद्यार्थियों के लिए जो 9th 11th 12th जो भी पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, वैसे विद्यार्थी इसको बहुत ही बारीकी से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक सही होगा तो आपका हर एक चीज सही होने वाला है। अगर हर एक चीज सही हो जाएगा, समझ लो कोई भी कंपटीशन को आसानी से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो बनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको ये भी पता है, इस चैनल का कुछ रूल, जो कि रूल है एक्साइटमेंट कॉल के रूप में, वो एक्साइटमेंट कॉल आपके लिए होगा और ये चीज आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो ये आपका एक्साइटमेंट कॉल आपके लिए कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर विश्वास पैदा। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका फिजिक्स है वो फिजिक्स इस तरह से हम लोग जिसको हम लोग भौतिकी कहेंगे, क्या कहेंगे? भौतिकी कहेंगे भाई साहब, भौतिकी कहेंगे। ठीक है, और ये फिजिक्स जो है ना, वो एक ग्रीक शब्द फूसिस से लिया गया है। फूसिस कहीं कहीं आपका रहेगा, फ्यूसिस भी रहेगा, यानी फूसिस और फ्यूसिस दोनों का मतलब, जो कि ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक दोनों का मतलब होता है नेचर। क्या होता है भाई साहब? नेचर, नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक। यानी कि फिजिक्स जो आपका शब्द है, फिजिक्स जो आपका फैकल्टी है, उसका मतलब होता है नेचर, और नेचर जो है जिसमें हम लोग सारे वर्ग करते हैं। अब कोई सवाल भी हो सकता है, एक्चुअली नेचर होता क्या है, नेचर का निर्माण किसी से हुआ है? तो नेचर का जो निर्माण हुआ है एक्चुअली, वो हुआ है आपका दो चीज से मिलकर बना है, एक मिलकर के बना है द्रव्य और दूसरा का मिलकर बना है ऊर्जा। यानी कह सकते हो कि मैटर एनर्जी आपस में मिल करके क्या चीज का निर्माण किए हैं? नेचर का निर्माण किए हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे द्रव्य और ऊर्जा दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? नेचर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि ये जो आपके फिजिक्स है, ये फिजिक्स एक्चुअली दो टर्मों में लिया गया था। एक लिया गया था जो कि 1900 ईस्वी से पहले की कहानी है, 1900 ईस्वी से पहले, और एक कहानी है आपका जो कि 1905 ईस्वी के बाद वाला कहानी है। ठीक है, 1900 ईस्वी से पहले वाले जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीनतम फिजिक्स, प्राचीनतम भौतिकी जिसको बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो एनिशिएंट फिजिक्स, एनिशिएंट फिजिक्स बोला जाता है। साथ ही साथ याद करके लिखना चाहेंगे, प्राचीनतम फिजिक्स को हम लोग परंपरागत भौतिकी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परंपरागत भौतिकी। अगर एक और वर्ड भी यूज किया जाए तो इन फिजिक्स को हम लोग चिरसम्मत फिजिक्स भी बोलेंगे। कौन सा फिजिक्स बोलेंगे भाई साहब? चिरसम्मत भौतिकी। तो ये सारे भौतिकी एंशिएंट है और ये एंशिएंट आपका 1900 ईस्वी से पहले वाला फिजिक्स है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा था कि प्राचीनतम भौतिकी के केस में क्या हो रहा था, इसलिए ये प्राचीनतम भौतिकी है क्योंकि द्रव्य जो है वो ऊर्जा में नहीं बदल जा पा रहे थे, यानी द्रव्य ऊर्जा में नहीं बदल पा रहे थे, इसलिए पहले का कहानी था। अब 1905 ईस्वी की कहानी है। इस केस में क्या हो रहा था कि एक ऐसे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक नियम दिए थे, सिद्धांत दिए थे। ठीक है, वो सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसमें द्रव्य ऊर्जा में बदल जा रहा था, ऊर्जा द्रव्य में बदल जा रहे थे। ठीक है, तो वो जो फिजिक्स आएगा, वो फिजिक्स को हम लोग आधुनिक फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं, मतलब हम लोग जानते हैं आधुनिक भौतिकी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? ये आधुनिक फिजिक्स और ये प्राचीनतम फिजिक्स। आधुनिक फिजिक्स, प्राचीनतम फिजिक्स बताने वाले जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है, यानी कि प्राचीनतम वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? न्यूटन नाम का वैज्ञानिक जो था, ये आपका न्यूटन नाम का वैज्ञानिक जो कि प्राचीनतम फिजिक्स का जो है जन्मदाता किया है, जन्म दिया। और ये जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, इनके जो जन्मदाता है वो है एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने
जिन्होंने क्या किया, आधुनिक फिजिक्स का वर्णन किया था। आई होप इस बात को आप लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पे न्यूटन साहब ये अपने ब्रांच में कुछ ऐसे शाखा को बताएंगे जो कि इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, साथ ही साथ ये अपना शाखा बताएंगे। लेकिन ये आधुनिक फिजिक्स क्यों हुआ इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली आधुनिक फिजिक्स इसलिए बताया गया था क्योंकि 1905 ईस्वी के बाद एक नियम इन्होंने दिया था, उस नियम का नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि जो भी आपके द्रव्य हैं वो द्रव्य एक्चुअली ऊर्जा में बदल जाएगा, साथ ही साथ ऊर्जा भी द्रव्य बदल जाएंगे, यही सापेक्षता का सिद्धांत बनता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर आधुनिक भौतिकी को अलग किया गया है। फाइनली अब ये जो है प्राचीनतम भौतिकी और ये आधुनिकतम भौतिकी का क्या परिभाषा है, साथ ही साथ ये भी देखने वाले हम लोग कि जो द्रव्य है ऊर्जा है उसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये चीज जानेंगे, ये दोनों कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट करोगे, लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीनतम जो भौतिकी है उसकी क्या परिभाषा है। प्राचीनतम भौतिकी की परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो उसमें लिख सकते हैं कि ये जो है आपका विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं भाई साहब। अध्ययन ही आपका क्या है, प्राचीनतम भौतिकी कहलाता है। फाइनल, तो यहां पे प्राकृतिक में जो भी घटना घटता है, मतलब कहने का मतलब है सभी विद्यार्थी ये सोचे ये प्राकृतिक होने वाली घटना क्या हो सकता है। तो प्राकृतिक होने वाली घटना सुबह से लेकर शाम तक जो भी वर्क करते हो वो वर्क के बारे में थोड़ा सा रियलाइज करो कि वर्क होता है तो कैसे होता है, अगर हम करते हैं तो कैसे कर लेते हैं। जस्ट लाइक जैसे चलना, बोलना, खेलना, कूदना, दिखना, सुनना, दिस इज योर क्या है आपका नेचर में होने वाली तो घटना है जो कि हर चीज आपके सामने होता है और आप उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो रियलाइजेशन जो है आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि ये चीज अगर आपको पता चल जाए कि ये होता कैसे है तो जिस दिन होता कैसे है, होता क्यों है, इसके बारे में अगर कंसेप्ट आपको मिल जाए तो आपका फिजिक्स क्या हो जाएगा, मत्स्य मक्खन का क्लास हो जाएगा। फाइनली तो आपको क्या करना है, प्राकृतिक होने वाली घटना जो कि प्राचीनतम भौतिकी बताता है ये बताने वाले हमारे कौन थे, न्यूटन साहब थे। अब कहानी आ रहा है इसका आधुनिक भौतिकी का। तो आधुनिक भौतिकी का जो हम लोग परिभाषा लिखेंगे वो परिभाषा इस प्रकार है। आधुनिक भौतिकी, इसके अंतर्गत जो हम लोग लिखेंगे ना, लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा इंक चल नहीं रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। कोई दिक्कत, यहां पे विज्ञान की ये शाखा है क्योंकि सारे कंसेप्ट सेम होंगे क्योंकि प्राचीनतम परिभाषा आधुनिकतम परिभाषा दोनों लगभग सेम है। उस समय क्या हो रहे थे, द्रव्य ऊर्जा में नहीं बदल पा रहे थे, इस केस में क्या हो रहे थे, द्रव्य ऊर्जा में बदल जा रहे थे, ऊर्जा द्रव्य में बदल जा रहे थे। एक्चुअली जैसे जैसे जो समय बदलता गया वैसे वैसे क्या अपरेटस बढ़ते गए, आपका उपकरण बढ़ते गया जिसके अंतर्गत हम लोग जो है भाई प्रायोगिक रूप से इसको बदलने का भी प्रयास किया। नेचुरली रूप में बदल नहीं पा रहे थे, आकर के आर्टिफिशियली से बदलने लगे तो अब यहाँ पे नया फिजिक्स का एराइजेशन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? तो इस क्रिया में क्या हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा
का अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी द्रव्य और ऊर्जा आपस में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, द्रव्य ऊर्जा बनाते हैं, ऊर्जा द्रव्य बनाते हैं, ये क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो ये कौन से फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे, आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे। फाइनल समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आया है। साथ ही साथ अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आपके प्राचीनतम बोध की है और ये जो आधुनिकतम बोध की है जिसमें द्रव्य को ऊर्जा, ऊर्जा को द्रव्य के रूप में देखा गया है, तो हम लोग द्रव्य को कैसे पहचानेंगे और ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस बिटवीन देम रखते हैं कि यहाँ पे आपका द्रव्य है और यहाँ पे आपका ऊर्जा है, कि दोनों आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो आप यहाँ पे बताओ द्रव्य जो है वो दृश्य है, आप द्रव्य को देख सकते हो, ऊर्जा को आप नहीं देख सकते, इसलिए क्या है, अदृश्य है। क्या है, अदृश्य है। ये विजिबल है, ये नॉन विजिबल के केस में आ जाता है, इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है न तो उत्पन्न होता है, न तो बनाया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं। तो रूपांतरण इज द सेंस ऑफ दिखाई नहीं देना, नहीं दिखाई देता है, ये अदृश्य रूप है, ये दृश्य रूप है। साथ ही साथ द्रव्य में कुछ भार होता है, इसमें भार नहीं होता, नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें द्रव्यमान है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता, मतलब कह सकते हैं कि ये आपके द्रव्य को हम लोग देख करके पहचान सकते हैं, ऊर्जा को देख करके पहचान नहीं सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। और ये जो है आपका स्थिति दिख रहा है, जो द्रव्य ऊर्जाओं के बीच अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत जो नए फिजिक्स का एडिशन हुआ था, वो आपको ये दोनों बता देते हैं, यानी कि नेचर बन गया, ये भी जो दोनों मिलने से ही नेचर बना था, ये दोनों नेचर में, नेचर में होने वाली घटना ही फिजिक्स है, प्राचीनतम में नेचर में होने वाली घटना, यहाँ पे भी द्रव्य ऊर्जा के अन्योन्य क्रिया, यहाँ पे प्राकृतिक में होने वाली घटना, दोनों आपस में क्या बना दिया, फिजिक्स बना दिए, यानी कि दोनों फिजिक्स लगभग सेम है। आई होप इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट करो, लिखो, आगे का जो कहानी वाला है वो देखेंगे कि प्राचीनतम भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन से ब्रांच आएंगे, आधुनिकतम भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन से ब्रांच आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट करो और लिखने का प्रयास करो। ओह नो, ठीक है, आगे अब यहां पे दोनों का ब्रांच देख लो, थोड़ा बेसिक होना जरूरी, क्योंकि बेसिक से ही सारा क्लियरेंस होता है, पढ़ाई का मतलब भी बेसिक होता है, जो बेसिक जानता है वो अच्छा करता है, जो बेसिक नहीं जानता वो अच्छा नहीं करने वाला। तो यहाँ पे आपका प्राचीनतम है भौतिकी और यहाँ पे आपका आधुनिकतम भौतिकी, अब इन दोनों का ब्रांच ग्राउंड बने देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे प्राचीनतम भौतिकी के अंतर्गत सबसे पहले आपको यांत्रिकी के बारे में पढ़ना होगा, इसके बारे में पढ़ना होगा, एक यांत्रिकी है जिसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है। अब ये मैकेनिक्स जो होते हैं दो स्थितियों में होते हैं, एक होते हैं गति के रूप में, एक गति के रूप में और एक स्थिति के रूप में, मतलब ये दोनों के मिलने से यांत्रिकी का निर्माण होता है। सबसे पहले आपको प्राचीनतम भौतिकी के अंतर्गत इसको पढ़ना है, इसके बाद सेकेंड में इसको देखना है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी को आपको पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपको स्थिर वैद्युतिकी, मतलब यहाँ पे आवेश जो होता है ना स्थिर होता है, और स्थिर के केस में आवेश का क्या फंक्शन होगा, उसका क्या प्रॉपर्टीज होंगे, इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें विभव विभवांतर को भी देखा जाता है, वो तो आगे का कहानी होगी। अब यहाँ पे आगे का जो आपका ब्रांच है वो है आपका साउंड, साउंड बोले तो ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है साउंड, इसमें आपको किसी चीज के ध्वनि के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो पढ़ना होगा ऑप्टिक्स के रूप में पढ़ना होगा, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी, क्या होता है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी के अंतर्गत आपको लाइट के बारे में पढ़ना होता है, अब लाइट के बारे में क्या है, लाइट के सब चीज जानना होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना, मतलब कहने का भाव भाव ये है, ये सब सारे जो फिजिक्स के ब्रांच है वो कब आए थे, प्राचीनतम भौतिकी के अंतर्गत, और प्राचीनतम भौतिकी कब से शुरू हुआ है, 1900 ईस्वी से पहले, यानी कि ये सारे फिजिक्स जो है 1900 ईस्वी से पहले वाले फिजिक्स है जिसको लोग पढ़ चुके थे। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत दूसरे ब्रांच आएंगे, जैसे अब आगे इसमें एक और ब्रांच लिख लो, इसमें मैग्नेटिक के बारे में भी चर्चा किया जाएगा, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, चुंबक, यानी चुंबक के बारे में भी आपको प्राचीनतम भौतिकी के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। ये सारे ब्रांच है आपको, जो कि आपको आगे बताया भी जाएगा। आधुनिक के अंतर्गत सबसे पहले आएगा
नाभिकीय फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है नाभिक के बारे में और परमाणु के बारे में, मतलब नाभिक और परमाणु दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों से नाभिकीय फिजिक्स का ग्रेजुएशन हुआ। साथ ही साथ इसमें इस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, यंत्र, यंत्र ही है। और इस यंत्र के अंतर्गत जैसे मॉडर्न जमाने में क्या है, मोबाइल है, और लोग क्या करते हैं एलईडी लगा लिए हैं, एलसीडी लगा लिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार हो चुके हैं मॉडर्न युग में। पहले का गाड़ी क्या होता था कि लोग जो है अपने घर पे एंटीना टांग दिया करते थे जिससे आपका टीवी भी चलता था। अब पूरा कहानी अलग है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जिसमें आपको मोबाइल के बारे में पढ़ना है, एलईडी के बारे में पढ़ना है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ मॉडर्न के अंतर्गत एक आप कम्युनिकेशन आएगा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, संचार मतलब हो गया संचार में सारे कम्युनिकेशन जैसे टीवी उवी मोबाइल वाइल सब चलते होते रहता है, मतलब ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको आने वाले हैं। तो ये सारे किस केस में आने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ये सारे चीज पढ़ने, ठीक है। तो ये आपके ब्रांच है, एक प्राचीन रूप में और एक आपके क्या चीज रूप में है, आधुनिक भौतिकी के रूप में, ठीक है। साथ ही साथ इसमें और भी है, इसमें एक और भी हम लोग कर सकते हैं, चिकित्सा के बारे में पढ़ सकते हैं, चिकित्सा मतलब मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में भी आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत बताया जाएगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जिसमें एक्सरे तैयार होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार होते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में वो सारे आपको अध्ययन कर रहे हैं, इनिशिएट में आपको ये पढ़ने, ये दोनों को मिला दो पूरा फिजिक्स खत्म होगा। अगर ये सब चीज क्लियर है तो आपका फिजिक्स भी क्लियर हो जाएगा। तो टू बी हैप्पी, सारे लोग खुश हो जाओ, खुश होकर के इस चीज को फीलिंग करो, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया साइंस इज द फीलिंग, और जिस दिन आपको फीलिंग होगा उस दिन आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर सारा कंसेप्ट क्लियर है मतलब आपके हाथ में जॉब होगा और आप सुखी से जीवन व्यतीत करोगे। थैंक यू वेरी मच। अब आपको आगे अगले वीडियो में होने वाला है, तब तक आप इसका संदेश होकर गए, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे, कॉमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।